नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका जीके एमसीक्यू में। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं लेकर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर आइए बिना समय गवाए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 2022 में उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। आपके ऑप्शन थे ए वाल्टेरी बोटास, बी सेबेस्टियन वेटेल, सी चार्ल्स लेक्लर या फिर डी मैक्स वेरस्टैपेन। और यहाँ पर आपका समय हुआ है समाप्त। आइए देखते हैं हमारा सही उत्तर। हमारा सही उत्तर है डी मैक्स वेरस्टैपेन। F1 विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन ने फेरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को हराकर रेड बुल के लिए उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। दोस्तों, वेरस्टैपेन किस क्लब के लिए खेलते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के लिए। बायोगैस द्वारा संचालित अपनी तरह के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया। आपके ऑप्शन थे ए मुंबई, बी नोएडा, सी बेंगलोर या फिर डी इंदौर। आपका समय हुआ है समाप्त। आइए जानते हैं हमारा सही उत्तर। हमारा सही उत्तर है ए मुंबई। मुंबई को हाजी अली के पास अपना पहला बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा और साथ ही साथ उनके उत्तर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है। आपके ऑप्शन थे ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूके या फिर डी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फ्रांस। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के आसपास लोकतांत्रिक राज्यों का एक व्यापक राजनीतिक समुदाय बनाने का सुझाव दिया है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। इसी बीच समय हुआ है हमारे चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न का। खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में खुलेगा। हमारे ऑप्शन हैं ए हैदराबाद, बी पुणे, सी नई दिल्ली या फिर डी बेंगलुरु। आपके 10 सेकंड हुए हैं समाप्त। आइए जानते हैं हमारा सही उत्तर। हमारा सही उत्तर है सी नई दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का संबोधन किया। अगर आपको 10 सेकंड का समय कम लगता है तो आप अधिक समय के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उत्तर आप स्वयं दें। आगे है हमारा पांचवा प्रश्न। 2022 में संयुक्त राष्ट्र अर्गानिया का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन हैं ए 10 मई, बी 9 मई, सी 7 मई या फिर डी 8 मई। हमारा सही उत्तर है ए 10 मई। संयुक्त राष्ट्र 10 मई 2022 को अर्गानिया का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी बीच तैयार है हमारा छठा महत्वपूर्ण प्रश्न। किस देश के कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हमारे ऑप्शन थे ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या फिर डी स्पेन। दोस्तों, क्या आपको सही उत्तर मिल गया है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। हमारा सही उत्तर है डी स्पेन। कार्लोस अल्कराज स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी को हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीत लिया है। दोस्तों, इन दोनों नामों को अपने नोट्स में जरूर शामिल करें। हमारा सातवां प्रश्न इस प्रकार है, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया।
हमारे ऑप्शन हैं ए कामी रीता शेरपा, बी तेंजिंग शेरपा, सी ओंग रीता शेरपा या फिर डी तेंजिंग नॉर्गे। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कामी रीता शेरपा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की महान पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा 8वां प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा या फिर डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही उत्तर है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों आप में से किस किस को 5 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर पहले से पता थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे स्टूडेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। रुकने का समय नहीं है बबीता, क्योंकि आने वाला हमारा नवा महत्वपूर्ण प्रश्न। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी? आपके ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी हरियाणा, सी जम्मू और कश्मीर या फिर डी दिल्ली। हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है डी दिल्ली। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी। दोस्तों आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी और आप लोग मेरी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आगे हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, तन्वे फॉर्मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? आपके ऑप्शन हैं ए कोनेरू हम्पी, बी जी आकाश, सी डी गुकेश या फिर डी हरिका द्रोड़वल्ली। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश पंटा प्राइमा में पहले सनवे फॉर्मेरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में चैंपियन के रूप में उभरे हैं। दोस्तों आप में से किस किस को शतरंज यानी कि चेस खेलना पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भारत पाक युद्ध 1971 रेमिनेसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह या फिर डी अमित शाह। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से समय हुआ है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, इससे आपको मेरी वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।